Sí. बजटिंग जिसमें से नॉर्मली 10 से 15 नंबर का पेपर एक्सपेक्टेड होता है। पहले तो शायद कभी कभी वो इसको मिस कर देता था। जब से उसने इसके मार्क्स की वेटेज बढ़ाई है तो तब से मुझे लगता है कि ये हर हाल में पेपर में आएगा। बजटिंग का लफ्जी मतलब क्या है? हम बजट करते हैं, प्लान करते हैं अपने सेल्स का, अपने कॉस्ट का, अपने एक्सपेंसेस का। तो अगर आपसे कोई कहे कि बजट कौन सा बनाया जा सकता है, तो अगर आप नंबर ऑफ बजट, तो आप सेल्स बजट बना सकते हो। सेल्स बजट बनाने के लिए इसको यूनिट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है और अमाउंट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे जी यूनिट सोल्ड कितने हैं या कैसे फाइंड करोगे, तो उसका तरीकाकार आप देख लें कि हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें, आपके पास ओपनिंग स्टॉक के कुछ यूनिट पड़े हुए हैं, आपने कुछ यूनिट परचेज किए हैं, कुछ यूनिट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। अगर हम यहां पर बात करें कि आपके पास 1,000 यूनिट पड़ा था, आपने परचेज किए 10,000 यूनिट, आपके पास 3,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, तो बताएं कितने यूनिट सेल हुए होंगे? 8,000। तो इसकी ये जो कैलकुलेशन है, इसे हम कहते हैं सेल बजट, यूनिट फॉर्म में, वॉल्यूम फॉर्म में। और अगर इसको अमाउंट फॉर्म में चाहिए तो अमाउंट फॉर्म में भी यही तरीकाकार है, उसको सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सेल का बजट है कि अगर आपने कोई प्लान करना है, तो हम सोचते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक इतना है, इतना हम खरीदेंगे, इतना हमारा नॉर्मली बच जाता है, तो हमारे जो सेल होते हैं यूनिट, वो हमारा आंसर आ जाया करेगा। और ये अगर मैं आपको नाम ही बताता तो ये आपको पता है पहले कि आपने यूनिट सोल्ड कैसे फाइंड करते हो। उसके बाद आपके पास एक बजट आ जाता है, परचेज बजट। अब परचेज दो तरह की चीज होती है, रॉ मटेरियल और नॉर्मल फिनिश गुड्स टाइप। परचेज बजट, परचेज बजट के लिए यूनिट फॉर्म में या अमाउंट फॉर्म में, वो बात की बात है, वैसे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं परचेज बजट के लिए। अब परचेज बजट आपने सोचना है पहले कि ये रिटेलर का है या मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि अगर ये रिटेलर का है तो परचेज बजट कुछ और बनेगा, और अगर ये मैन्युफैक्चरर का है तो फिर तो कुछ और बनेगा। तो अगर हम परचेज बजट बनाते हैं रिटेलर का, तो परचेज फाइंड कहां से करेंगे भला? कॉस्ट ऑफ सेल से। इसका फार्मूला क्या होगा भला, जरा सोचिए। कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास परचेज आ जाएगी। और अगर आपको रॉ मटेरियल में चाहिए, तो रॉ मटेरियल का फार्मूला परचेज कैसे होता है? रॉ मटेरियल की परचेज कैसे फाइंड करते हो? रॉ मटेरियल की परचेज, रॉ मटेरियल इश्यूड या कंज्यूम डे की बात है, उसमें प्लस कर दोगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, माइनस कर दोगे ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो आपके पास परचेज रॉ मटेरियल आ जाएगा।
ये सारे फार्मूलाज आपको कोई अलग से नहीं फाइंड करने आएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा, उसके अंदर छोटे छोटे बजट बनाते हैं, जिसे आप लोग वर्किंग कहते थे ना पहले, कि वो छोटे छोटे आपके बजट। कॉस्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, ये मुझे लगता है आपको पेपर में आ सकता है। मैन्युफैक्चरर का पेपर में आ सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आया मैन्युफैक्चरर का तो फार्मूला कुछ और होगा, इसका तो आपको पता है। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये अमाउंट गिवन होगी आपको। और अगर मैन्युफैक्चरर का आ गया तो फिर ये 10-12 नंबर का हक अदा करेगा। क्या होगा इसका? ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो याद है ना वो सारी स्टेटमेंट है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज्ड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हमारे पास क्या आएगा? रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज। फिर इसमें क्या कहते हैं, ये अमाउंट्स आपको गिवन होगी सवाल के अंदर, आपने यहां पर पुट करनी है, प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर। हमारे पास क्या आ जाएगा? इवन के प्राइम कॉस्ट का अगर वो कहता है ना बजट बनाओ, तो इतने बनाएंगे बस। फिर प्राइम कॉस्ट में अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं, ऐड अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसमें क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री का रेंट, मतलब वो सारे जो अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लिखते हैं वो सारे इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें अगर आप प्लस कर देते हो ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओ सॉरी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और माइनस कर देते हो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हमने तो कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ। बजट कोई भी बनाना आ सकता है, ये ना कहना ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, मतलब बजट किसी का भी कह दे वो स्टेटमेंट बना के दिखा दे उसको। हाँ उसमें कुछ ऐसा कहेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि वो इस साल की ना कॉस्ट ऑफ सेल आपको दे देगा, और कहेगा अगले साल लेबर में इतना इजाफा हो गया, वेस्टेज इतनी हो गई, मटेरियल की कीमत इतनी बढ़ गई। तो अगर आप से बेहतर ये कौन जानता है कि अगर आपको ये बता दी जाए सारी बातें कि जनाब लेबर में इतना इजाफा हो गया, वेस्टेज इतनी हुई है, ये सारी बातें अगर आपको बता दी जाए तो सिंपल आप लोगों ने उसमें पुट करना है, तुम्हारा आंसर आता जाता है, वही सारे के सारे कॉस्ट वाली चीजें या सीवीपी है सारे का सारा। ये जो सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल का, रिसीट का, इवन के कैश रिसीट फ्रॉम डेटर का बजट बनाना आ सकता है, कैश पेड टू सप्लायर का बजट बनाना आ सकता है। तो अगर हम उनकी बात करें, फिर उसके बाद हम चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वर्किंग भी यही होगी, और हमने स्टेटमेंट फॉर्म में करना है, लेजर फॉर्म में नहीं करना। अब स्टेटमेंट में कैसे करना आपको आता है या नहीं आता देखते हैं। डेटर का अकाउंट बनाना आता है? कैसे बनता है? ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन,
यहां पर क्रेडिट वाली और यहां पे कैश। पेपर में आपको या तो कैश फाइंड करना आएगा या सेल फाइंड करना आएगा, या कैश या तो आपने लेजर बनाने नहीं बैठ जाना। उसकी वजह क्या है? आपको 6 महीनों के कैश आएगा आप फाइंड करना, 6 महीनों की सेल्स फाइंड करना, ये अलग अलग। तो 6 लेजर इसके बनाएंगे, 6 लेजर फिर बनाएंगे क्रेडिटर के, तो 12 लेजर बनेंगे सिर्फ दो चीजें फाइंड करने की। हाँ, अगर आपको कुछ समझ न लग रही हो तो एक छोटा सा लेजर बना। मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई चीज फाइंड करनी हो दिमाग में लेजर रखना। सपोज दैट आपने फाइंड करनी है सेल, तो करना क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस। अगर आपने फाइंड करना है कैश, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करना है। तो आपने डायरेक्ट करना है स्टेटमेंट फॉर्म में। कैसे? कि सपोज दैट आपको चाहिए सेल्स, सेल्स के लिए आपने काम क्या करना है, फौरन ये सोचना है कैश प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड। अगर 6 महीने बस ऊपर मंथ लिख देंगे, हर महीने का डाटा इसके अंदर पुट करते जाएंगे, यानी यहां पर सपोज जनवरी का है, फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, इसी एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपके 6 के 6 महीनों की सेल्स आ जाएगी। और अगर उसने पूछा कि कैश फ्रॉम डेटर, तो क्या फॉर्मेट बनेगा, कैश फ्रॉम डेटर के लिए सेल्स प्लस ब्रॉड ऑन माइनस कैरेट। बात क्लियर हुई? और अगर मैं आपको क्रेडिटर का परचेज, क्रेडिटर में से परचेज और पेमेंट टू क्रेडिटर का फाइंड करना बताऊं, तो क्या बता सकते हो? चले बनाओ जरा, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, स्टेटमेंट फॉर्म में। अगर मैं आपसे कहूं, आपको पता है परचेज दो जगह से फाइंड हो सकता है, एक कॉस्ट ऑफ सेल से और एक सप्लायर से, और कैश पे टू सप्लायर। परचेजेस के लिए कैश से शुरू करेंगे, कैश पेड प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड। और अगर आपको चाहिए कैश पेड, तो कहां से शुरू करना, परचेज से। तो कैश चाहिए तो परचेज, और परचेज चाहिए तो कैश से शुरू करेंगे। लेकिन परचेज में प्लस क्या करेंगे, ब्रॉड ऑन, और माइनस क्या करेंगे, अगर वो हमसे परचेज का बजट पूछता है तो इससे भी बनाया जा सकता है। ये वो छोटे छोटे बजट हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उसने पूछे नहीं है। तो क्या पूछता है वो? तीन तरह के बजट, टोटल 4 तरह के बजट हैं, जिनमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बाकी दो थोड़े से कम। जो पेपर में आपसे सवाल आ सकता है ना बजट का, टोटल में आपको नंबर इसके बाहर सवाल इंशाल्लाह नहीं आएगा, या तो आपसे वो कैश बजट बनवाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में बताओ कैश बजट, तो क्या चीज पूछ रहा है वो आपसे? अगर मैं बताऊं कि अकाउंटिंग टर्म्स में बताओ कैश बुक, वो कैश बजट क्या है, इन माइनस आउट इज इक्वल टू कैरिड ऑन। दूसरा वो हमसे बजट पूछेगा जनाब एसपीएल का, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनवाएगा हमसे, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनवाएगा, जिसमें हम सेल माइनस करेंगे। बस वही हो सकता है, वो खुद बताएगा मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए एसपीएल बनाना है या अब्जॉर्प्शन के जरिए बनाना है। वही वो खुद बताएगा अंडर मार्जिनल, अंडर अब्जॉर्प्शन। और अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम अकाउंटिंग वाला एसपीएल बनाएंगे। अगर वो अंडर मार्जिनल या अब्जॉर्प्शन कह देगा तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग वाला बनाएंगे। ओके की बात। तीसरे नंबर पर हो सकता है वो हमसे कॉस्ट ऑफ सेल का बजट बनवा ले मैन्युफैक्चरर का, अभी तक नहीं आया पेपर में। 4 सवाल आया है, एक दफा वो कैश बजट पूछ रहा है, एक दफा फिर एसपीएल का, फिर कैश का, फिर एसपीएल का, कुछ इस तरह से पूछ रहा है। हो सकता है वो हमसे एसओएफपी का बजट बनवा ले, मतलब बजटेड एसओएफपी बनवा ले। लेकिन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, बहुत रिमोट चांसेस है।
और पांचवा, इससे भी रिमोट चांसेस हैं कि हो सकता है कभी वो थ्रेटी का सवाल बना दे, मतलब वो चार पांच बजट की टाइप्स दे देगी इसको एक्सप्लेन करें। एक जीरो बेस्ड बजट होता है, एक मास्टर बजट होता है, एक फ्लेक्सिबल बजट होता है, एक स्लैक बजट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट है। वो हो सकता है हमें धोखा देने के लिए वो चार पांच बजट की टाइप दे दे, कहता है जी इसको दो दो लाइनों में एक्सप्लेन करें और इसके दो दो नंबर करके आठ दस नंबर दे दे। क्योंकि जब उसने वर्किंग कैपिटल से सवाल उठाना है ना, तीन सवाल है ना, आप प्रोजेक्ट अप्रेजल में से तो कंफर्म सवाल आना ही आना है, बाकी रह गया उसके पास 15 नंबर का, वहां से सवाल देता है, बाकी उसने खेलना होता है मैक्सिमम 15 20 15 20 नंबर। उसके लिए अगर वो वर्किंग कैपिटल का अच्छा सवाल उठाएगा तो हो सकता है फिर इसमें से 8 नंबर 6 नंबर का सवाल वो ऐसा दे दे कि वो सिर्फ हमसे उसकी अंडरस्टैंडिंग पूछ। तो उसके लिए हमने दो लाइनों से ज्यादा कभी भी डेप उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे दी, क्योंकि हमारी अंग्रेजी इतनी ही बार बार सही रह सकती है, जितनी ज्यादा अंग्रेजी छेड़ेंगे ना असला खराब हो। डनो की बात चले जी, तो बिस्मिल्लाह करें फिर कैश बजट से। तो कम से कम 5 से 6 दिन हम कैश बजट पे लगाएंगे। सबसे आसान सवाल आज करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स का कैश बजट का सवाल कैसे कैसे बन सकता है वो हमने करने हैं। तो 10 सवाल हमने टोटल प्रैक्टिस करने हैं। इन 10 सवालों के अंदर आपके अंदर अगर वो कैश बजट बनाने की सेंसेस डेवलप हो जाएंगे, फिर कैसा भी वो कैश बजट बनवाएगा ना तो वो हम बना लेंगे। नॉर्मली कैश बजट किस तरह से पेपर में आता है, या वो मंथली बेसिस पे बनवाता है, अगर मंथली बेसिस पे बनवाए तो अच्छा होता है, या वो क्वार्टरली बेस पे बनाता है, पूरे क्वार्टर का 3 महीनों का बजट बना, सेमी एनुअल 6 महीने का, मंथली का मतलब है हर महीने का अलग अलग, क्वार्टर का मतलब है हर महीने का अलग नहीं 3 महीनों का और 6 महीनों का, या फिर पूरे साल का, और सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं कि अगर मंथली बेसिस पे आए तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर क्वार्टर बेस पे, क्वार्टर बेस ये तीनों एक जैसे। तो एक सवाल को देखते हैं और उसका कैश बजट बनाते हैं। कुछ चीजें मैं आपको यहां पर करवा के फिर सवाल दूंगा, और कुछ चीजें मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि सारा कुछ तो आपको आता है, और अगर यकीन जाने कि मैं आपको ये एक भी सवाल ना करवाऊं इसका, तो तब भी आप इसके सवाल कर सकते हो। माना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो आपका सवाल उसने पेपर में नहीं दिया ना, उसका आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको सीवीपी का बहुत ज्यादा फायदा होना, यहाँ पर रेलिवेंट कॉस्टिंग का, टारगेट कॉस्टिंग का, सीवीपी का सबसे ज्यादा बजटिंग में फायदा होगा। अब एक सवाल देखते, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कुछ सेल्स हैं, डिफरेंट मंथ की, जनवरी की सेल्स लिख लें 20,000, फेब की सेल्स 30,000, मार्च 50,000, अप्रैल 40,000, मई 60,000, और जून के कर लेते हैं 50,000 निकाल लेते हैं। साथ ही परचेज भी लिख लो, जनवरी की ये माइनस नहीं है 15,000, यहां पर कर लो 25,000, यहां पर कर लो 40,000,
यहां पर कर लो 30,000, 50,000, 60,000, बल्कि 40 कर लो। ये हमारी परचेजेस है। एक्सपेंसेस मंथली रेंट कर लेते हैं 5,000, उसके बाद सैलरी कर लेते हैं 10,000, बिल 5,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, वैसे लिख लिया या चल, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाए। पहले कहते हैं जो सेल्स है ना, कहता है कि 40% सेल्स मतलब उसका जो कैश रिसीव होता है वो करंट मंथ में हो जाता है। फोर्टी परसेंट नेक्स्ट मंथ में होता है और 20% उससे भी अगले महीने में होता है। यानी जो भी सेल्स करते हो ना, 40% उसी महीने पैसे मिल जाते हैं और 40% उससे अगले महीने और 20% उससे भी अगले महीने। परचेजेस जो आप पेमेंट करते हो ना, पेमेंट टू सप्लायर, कहते 30% करंट मंथ में करते हो, 50% फॉलोइंग मंथ में, और 20% थर्ड मंथ। ऑल अदर एक्सपेंसेस पेड, इन द मंथ ऑफ अकरेंस, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ ऑफ अकरेंस। ओके, वो कहता है प्रिपेयर और देयर इज नो ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या है, वो जितना खरीदते हैं सारा ही बिक जाता है। प्रिपेयर कैश बजट, मंथली कैश बजट, हमें ये डाटा दे दिया जाएगा और कहेगा हर महीने कैश बजट बनाओ, कैश अवेलेबल एट 1,12,000 इज रुपीज 50,000। इसमें आपको ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी आ सकता है। मतलब वो कहेगा कि अगर आपकी कैश शॉर्टेज हो जाती है ना तो दिस ओवरड्राफ्ट होगा और ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। हमने इसका फॉर्मेट बिल्कुल सादा रखना है, उसकी वर्किंग भी कर सकते हो। चलिए जी, सबसे पहले हम काम करते हैं, फिर फॉर्मेट बनाए। यहां पर आपने नाम लिखना है,
बताया कौन सी, कहां से देखना? कहते हैं रोजा अफ्तार करने से पहले कबूलियत का वक्त होता है, दुआ मांगा करें शिद्दत से, हर सब्जेक्ट की नाम लेके। किसी एक सब्जेक्ट की मांगोगे ना तो वो तो पास हो जाना, कोई और ही ना उठ जाए, तो इसलिए सारे सब्जेक्ट की मांगो, क्योंकि जिनसे मांग रहे हो ना वहां पर कोई चक्कर नहीं है, लिमिटेशन कोई नहीं है जी। तो अगर मंथली बेसिस पर आए तो हर महीने का नाम लिखेंगे ऊपर, जनवरी, मार्च, अप्रैल। गोल्ड मेडल ना R2 में है, बस ये ऑडिट में है। मई और जो रुपीज, जिसमें रुपीज एंड मिलियन में होगा तो रुपीज एंड मिलियन लिख देंगे, वरना सिंपल रुपीज लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने लिखना है कैश फ्रॉम सेल्स, कैश पे टू सप्लायर, फिर रेंट है, और रेंट के बाद सैलरी है, सैलरी के बाद बिल है, बिल के बाद। अच्छा, ब्रॉड और लिखने के ना दो तरीके हैं, या तो शुरू में लिख दो या एंड पे लिख दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, शुरू में भी लिख सकते हो और एंड पे भी लिख सकते हो। तो एंड शुरू में लिख देते हैं ब्रॉड या ओपनिंग बैलेंस। जी, जितनी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो लिख लो, जो नहीं नजर आ रहा है वो बाद में हम क्लोज थोड़ी कर रहे हैं, वो देख लेंगे। तो जो जो हमें पता है वो तो लिखे ना। मंथली रेंट कितना है? मंथली रेंट ये वो तरीका है जिससे हम अपने कम टाइम में जितने नंबर हासिल कर सकते हैं कर लें। सैलरी बिल ओके हो गया। अब दोनों बाकी ना वर्किंग के साथ करेंगे, वर्किंग करके यहां पर आकर आंसर लिखेंगे, क्योंकि जनवरी के पैसे सिर्फ, जनवरी की सेल के पैसे सिर्फ जनवरी में नहीं मिल रहे ना, कुछ के कुछ पैसे फरवरी में भी मिल रहे हैं, कुछ के कुछ पैसे मार्च में भी मिल रहे हैं, फिर इसी तरह फरवरी के पैसे फिर इस तरह से, और पेमेंट भी कुछ इस तरह से ही है। इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं अपनी, कर लेते हैं वर्किंग जनाब। इसका तरीकाकार क्या होता है, जैसे डाइस वाला सवाल नहीं करते तो बिल्कुल वैसे ही है। इधर महीने लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सबसे पहले यहां पर लिखे जनवरी। अच्छा, जब भी मंथली कैश बजट बनाना हो ना तो ये टेक्निक अपनाना, आपका टाइम भी कम लगेगा
पर गलती के चांसेस भी कम है। लेकिन क्वार्टरली और ईयरली में कुछ चेंज करेंगे। हर महीने का अगर बजट बनाना है कैश का, उसका तरीका काज ये रखना, जनवरी की सेल्स कितनी है? 20,000। आप बताओ इसके पैसे कब कब मिलने हैं? जनवरी में कितने मिलने हैं? 40% इसका कितना आता है? इसके फरवरी में कितने पैसे मिलने हैं? मार्च में कितने मिलने हैं? जनवरी की सेल जब जब पैसे मिलने हमने लिख दी। फिर आ जाएंगे फरवरी की सेल्स। ईसर है, बिल्कुल वही काम करो इसके साथ। 12,000, 12,000, सॉरी 12,000। फरवरी के पैसे फरवरी में मिलने हैं, कितने? 12,000, फिर 12,000 और फिर 6,000। मार्च कितनी सेल है? 50,000। जनवरी में भी नहीं, फरवरी में, मार्च में कितने मिलने हैं? 20,000, 20,000 और 10,000। अप्रैल 60,000, 40,000। अप्रैल के पैसे जनवरी में भी नहीं मिलने, फरवरी में, अप्रैल में 40%, 16,000। फिर 16,000, फिर 8,000। अब इंटरेस्टिंग काम शुरू होने लगा। मई कितने हैं? 60,000। ना जनवरी में पैसे मिलने हैं, फरवरी में भी नहीं, मार्च में भी कुछ नहीं, अप्रैल मई में कितने मिलने हैं? 24,000, 24,000। और हम अगले महीने का बजट तो बना ही नहीं रहे, तो छोड़ दो उसको। कितने महीनों का हमने कैश बजट बनाना है ना, तो सिर्फ उस महीने में देखना कितना कैश आ रहा है। इसके एक और तरीका भी होता है, यानी ये तो हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं ना कि हर महीने की सेल्स को अलग अलग, हम हर महीने का कैश रिसीट भी सोच सकते हैं कि जनवरी में जनवरी का 40% मिलना है और किस किस महीने का मिल सकता है, तो हर महीने का कैश अलग से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए अप्रैल, सॉरी जून, 50,000, 20,000 और बस। ये हमारा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर आ गया, कैश रिसीट फ्रॉम। अब हर महीने को टोटल कर ले, आपके पास हर महीने का आ गया 8,000 जनवरी में मिला, 20,000 फरवरी में मिला, 36,000 आपको मिला अप्रैल के अंदर, फिर 42, फिर 50 या 60, फिर 32, 52। लो जी, ये आपके पास कैश फ्रॉम कस्टमर आ गया। अब हमने फाइंड करना है पेमेंट टू सप्लायर, वो आपने फाइंड करना है। पहले ये लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, जी जनवरी का कैश ओब्रॉड में कितने मारा से, कितना कस्टमर से कितना पैसा मिला जनवरी में? 8,000, फरवरी में 20,000, फिर 36, 40, फिर 50,000 और 52,000। जल्दी से कैश पे टू सप्लायर इसी फॉर्मेट में फाइंड करके बताएं। 2 मिनट बल्कि 3 मिनट दे रहे हैं। पेमेंट टू सप्लायर सब लोग फाइंड करें कि पेमेंट टू सप्लायर हर महीने का कितना कितना आ रहा है। अगर डिफरेंस होगा तो हम सबका अलग अलग हल कर लेंगे, अगर सेम है तो फिर ठीक है।
हो गया जी, बताया जनवरी की पेमेंट कितनी आ रही है? 4500। फरवरी की 15000। फिर मार्च की 27500। फिर अप्रैल की 34000। मई की 38000। और जून? अच्छा, इसका ये तरीका भी होता है कि आप रसीद का टोटल कर लें, फिर पेमेंट का टोटल कर लें, या डायरेक्ट ऐसे कर लें, ये कोई इशू नहीं है। आई क्या मकसद कहता है कि जो रसीद वाला कॉलम है ना, उसका टोटल कर लेता पहले, फिर पेमेंट का टोटल करके फिर उसको आपस में माइनस कर देता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। जी, जनवरी का इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि सबका सेपरेट कर सकते हैं। जनवरी का क्लोज होगा, उसका क्लोज कैरिड ऑन फरवरी का ब्रॉड ऑन बन जाएगा। इस तरह से हमने करना है। ये जी बताएं, अब 50,000 प्लस 8,000, फिर इनमें से 45,000 ये सब माइनस करें। पॉजिटिव और नेगेटिव 33,000, फिर यहां पर लिखेंगे 33,500। पंद्रह हजार नेगेटिव, क्या कितना? 28,500 पॉजिटिव नेगेटिव, तैतीस हजार में 20,000 प्लस करेंगे, 15,000 माइनस, फिर 5,000, 10,000 और 5,000 माइनस, 20,000 और ये 15,000, 18,500। अच्छा, वो आपने शायद ब्रॉड ऑन ऐड नहीं किया होगा। अब ये 18,500 ऊपर जाकर आप बताएं, 18,500 में 36,000 प्लस करो, 27,500 माइनस, फिर 20,000 और माइनस, 7,000 पॉजिटिव। नेगेटिव। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात सुनिए यहां पर, अगर वो
सॉरी, अगर सवाल के अंदर वो इंटरेस्ट दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/12 करेंगे, वो भी अपना आउटफ्लो शो करेंगे। क्या करेंगे? अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता तो 5,000 का रेट 12% जो भी रेट होता मल्टीप्लाई बाय 1/12 भी करना है, क्योंकि हम मंथली बेसिस पे बना रहे हैं, रेट हमेशा सालाना गिवन होता है। तो वो यहां पर आउटफ्लो शो करेंगे, वो भी जैसे 5,000 है, सपोज 100 रुपए ऊपर और आ गया तो 5,100 कैरी ऑन बनेगा हमारा। तो नीचे हम अपना एक इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे, तो इंटरेस्ट यहां पर ऐड करके फिर कैरी ऑन का कॉलम यहां पर आएगा। अगर कब जब कभी जिंदगी में आपको इंटरेस्ट भी बताया हो ओवरड्राफ्ट के ऊपर, जो कि लाजमी बताया होता है पेपर में, तो यहां पर हम 5,000 नेगेटिव लिखेंगे। तो 5,000 में से करें जरा 13,000 नेगेटिव, इन 13,000 ऊपर नेगेटिव जाकर लिखेंगे -20, तो ये हमारा 6 महीनों का कैश बजट तैयार हो गया। क्लियर होगी बात? तो ये हमने कौन सा कैश बजट सीखा? मंथली बेसिस के ऊपर। इसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल होगा तो हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो परचेज नहीं देगा, हमें परचेज फाइंड करनी पड़ेगी, वो सेल नहीं देगा, हमें सेल फाइंड करनी पड़ सकती है। तो वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपने फाइंड करनी है, तो वो आपका। तो आपने कल जो सवाल करे, मैं आपको ना बुक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ग्रुप बन गया हुआ है जी, उसी ग्रुप का मैं करती है, कॉस्ट वाइम में कर दिया ना, तो बस ठीक है। बाकी उसका एडमिन कौन है? आके नहीं आके तो उसने तो अभी आप ही हैं, तो बस ठीक है। जो बाकी लोग हैं उनको रिमूव कर देना, और आप लोग तो बना लो, ठीक है। तो मैं आपको ना बुक शेयर कर दूंगा, आपने वो बुक अभी आपने प्रिंट आउट नहीं करवानी, एक हफ्ता ठहर के मैं आपको बुक दूंगा जो प्रिंट आउट के लिए है, बल्कि रिजल्ट के बाद ही प्रिंट आउट करवाना। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपने कर दिया ना, जो मैं आपको बुक शेयर करूंगा उसका चैप्टर नंबर ये होगा, जो भी होगा 14 होगा शायद, 14 हाँ 14 है। पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मतलब बुक मैंने वही तो कहा, बुक शेयर कर दूंगा, प्रिंट आउट रिजल्ट के बाद कर लेंगे। सॉरी, अच्छा इसकी भी पीडीएफ बनाकर भेज दूं, खुद लिखा कर नहीं, अपने हाथ से लिखने का जो फायदा है ना। सर ठीक है जी, इंशाल्लाह। हाँ।